जी तो स्टूडेंट्स, पीरियड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं वो आपको पता है, उनकी जो टोटल तादाद है वो 7 है। 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियोडिक टेबल में जो पहला पीरियड है उसको जो है वो शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। और पीरियड्स जो है वो आपको पता है, हॉरिजेंटल रोज जो है उनको पीरियड्स कहा जाता है, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स। ईच ऑफ देम हैज 8 एलिमेंट्स इन इट। सेकेंड और जो थर्ड पीरियड है उनको नॉर्मल पीरियड्स कहा जाता है, और उनमें दोनों में कितने? 8 एलिमेंट्स होते हैं दोनों में। ईच ऑफ देम हैज 8 एलिमेंट्स इन इट। दोनों में 8-8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। जो पीरियड नंबर 4 और 5 हैं इनको लॉन्ग पीरियड्स कंसिडर किया जाता है। ईच वन ऑफ देम हैज कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। इन दोनों में 18-18 एलिमेंट्स जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड्स आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड्स। जो छठा और सातवां पीरियड है इन इसको वेरी लॉन्ग कहते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड्स जो कहलाते हैं, क्योंकि इन पीरियड्स में जो एटॉमिक नंबर 57 और 89 के बाद जो है वो 14 एलिमेंट्स, यानी कि 14 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल दो सीरीज जो है वो बनाई गई हैं। 14 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल दो सीरीज बनाई गई हैं। उनका जो पर्पज़ है, उनका जो मकसद है, वो पीरियोडिक टेबल की जो शेप को, एक तो उसको बरकरार रखना है, से बचाना है उसको, और इसलिए इन दोनों सीरीज को पीरियोडिक टेबल के नीचे जो है वो सेपरेट रखा गया है, ताकि पीरियोडिक टेबल की जो ब्यूटी है उसको जो है बरकरार रखा जा सके। यानी कि एक मैनेजेबल वे में जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल इस टाइम अवेलेबल है, तो जिसको ब्लॉक्स में भी इजीली जो है वो डिवाइड किया गया, ठीक है, ग्रुप्स और पीरियड्स में, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, तो उसको अब, जबकि दोनों सीरीज जो हैं वो लैंथनम, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, और एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 89 के बाद शुरू होती थी, इसलिए इन दोनों सीरीज को जो है इन ऑर्डर लैंथनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ये इनका नाम दिया गया, यानी कि लैंथनाइट्स और एक्टिनाइट्स का जो है वो नाम दिया गया, तो जो कि एलिमेंट्स की पीरियड्स में डिवीजन को शो करता है। ऑल द पीरियड्स एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल एंड एंड एट अ नोबल गैस। तमाम जो पीरियड्स हैं सिवाय फर्स्ट पीरियड के, जो कि हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, यानी कि उसके अलावा जितने भी पीरियड्स हैं वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और नोबल गैस पर उनका एंड होता है, यानी कि नोबल गैसेस जब जहाँ पे स्टार्ट होती हैं वहाँ पे इनका एंड होता है। इट इज़ टू बी ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज फिक्स्ड बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन द पार्टिकुलर वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट्स। अब ये बात जो है इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है कि हर पीरियड में एलिमेंट्स की जो तादाद है वो फिक्स है, यानी कि मुकर्रर है। उसकी वजह इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा से ज्यादा तादाद, जिन्हें एलिमेंट्स के जो स्पेसिफिक वैलेंस शेल में रखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं, ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप वन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। जो ग्रुप वन है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में वो कंसिस्ट है
लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम एंड फ्रांसियम पर। ऑल्दो एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स येट दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इन दियर वैलेंस शेल्स। इसका मतलब है अगरचे इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स के एटमी नंबर्स में यानी कि एटॉमिक नंबर्स में जो कंटिन्यूसली यानी कि मुसलसल इजाफा नहीं होता, लेकिन इनके जो वैलेंस शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो सेम है, यानी कि इनके वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो एक जैसी है। सो दैट इज द रीजन एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड अ फैमिली। यही वजह है कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स को फैमिली भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द ग्रुप वन एलिमेंट्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस शेल्स, दे आर गिवन द फैमिली नेम ऑफ अल्कली मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल पहले ग्रुप के जो तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसलिए उन्हें एक फैमिली यानी कि अल्कली मेटल्स का नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द ग्रुप वन एंड टू एंड 13 to 17 कंटेन द नॉर्मल एलिमेंट्स। इन द नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, सो ओनली द आउटर मोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 एलिमेंट्स हेलोजन्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट शेल। इसका मतलब है पहला दूसरा और 13 से 17 यानी कि 13 to 17 के ग्रुप्स जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं। पहला और दूसरा और उसके बाद 13 से 17 तक के जो ग्रुप्स हैं नॉर्मल एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स में तमाम जो इनर शेल्स हैं मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली जो है वो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होते हैं। सिर्फ वैलेंस शेल्स जो होते हैं यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, नामुकम्मल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं हेलोजन्स जिनको कहा जाता है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को जो है वो हम हेलोजन्स कहते हैं। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं हेलोजन्स के वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यानी कि हेलोजन्स जो है उनके जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उनमें 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसी तरह एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं ये बात, द ग्रुप वन एंड टू एंड 13 to 17 कंटेन द नॉर्मल एलिमेंट्स। इन द नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल द इनर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ओनली द आउटर मोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैलोजन्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट शेल। पहला दूसरा और 13 से 17 तक के ग्रुप्स जो हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स में तमाम इनर शेल जो हैं वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होते हैं। ओनली जो होता है सिर्फ वैलेंस शेल जो नामकमल होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं सिर्फ वो जो हैं वो नामकमल होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं जिनको हैलोजन्स कहते हैं उनके वैलेंस शेल में हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। हैलोजन्स जो है उनके आउटर मोस्ट शेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो फ्रेंड्स ये था आपका टॉपिक का।